अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नॉनस्टॉप 25 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। तुर्की का शुक्रिया, करीमी का बयान। अफगान फिल्म डायरेक्टर सहरा करीमी ने दारुल हुकूमत काबुल में मदद करने पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया है। करीमी ने अपनी ट्वीट में कहा कि मैं जिंदा हूँ और महफूज हूँ। हम अफगानिस्तान में अब तक के तालिबान के पैगाम के मजबूत होने का कहना चाहते हैं, तुर्क वजीर खारिजा का बयान। चाउश बोलो ने अपने हम मनसब एमन उल असबादी की दावत पर उर्दन में अहम पैगाम दिए। काबुल हवाई अड्डे का निजाम तुर्क और अमरीकी फौजी संभाले हुए हैं। पेंटागन के तर्जुमान करबी ने प्रेस को काबुल एयरपोर्ट के हवाले से एक मुख्तसर बयान दिया। आजरी सदर का आर्मेनी कब्जे से निजात पाने वाले मुकामात का दौरा। आजरी सदर ने इस दौरे के दायरे कार में गुजरगाहों पर तामीर की जाने वाली सुरंगों का संग बुनियाद रखा। तुर्क वजीर खारजा के अमेरिका समेत मुतादित ममालिक के वजरा खारजा से अफगान मसले पर मुजाकरात। वजीर खारजा म्योलो चाउश बोलो ने अमरीकी, कतरी, गोशियाई वजरा खारजा और यूरोपीय उमूर के वजीर से अलग अलग टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका ने अफगानिस्तान के पनाह गजीनों की मदद के लिए 50 करोड़ डॉलर मख्तस किए, अमरीकी सदर बाइडन ने किया ऐलान। मुल्क भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर कायम किए जाएंगे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंस खिताब। पेगासस जासूसी मामला, खसूसी जांच से मुतालिक अर्जी पर मरकज को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। हुकूमत ने अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के पेश नजर वहां से आने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए वीजा के अमल को आसान बनाने का फैसला किया है और हंगामी हालात में फौरी वीजा जारी करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त और निपटारे का नया जुमरा बनाया है। हिंदुस्तानी फिजाइया का एक खसूसी तैयारा 140 हिंदुस्तानियों को लेकर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से रवाना हो गया है। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी फिजाइया का C-17 ग्रोप मास्टर तैयारी में 4 साथियों के साथ इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के एहलकारों और काबुल में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने के अमले और अफसरान सवार हैं। सीनियर कांग्रेसी लीडर और मध्य प्रदेश की राज्यसभा रुकन दिग्विजय सिंह ने मरकजी हुकूमत के नए मुकर्रर किए गए वजीर की जानिब से निकाली जा रही आशीर्वाद यात्राओं की मुखालिफत करते हुए कहा कि उसकी सबको मुखालिफत करनी चाहिए। राजस्थान के जिले अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में आज सुबह 2 ट्रेलरों के टकराने के बाद इसमें खौफनाक आग भड़क उठी जिसमें 4 अपराध हलाक हो गए। मध्य प्रदेश के जिले मोरिना की पुलिस ने एक कार से 4 लाख रुपए मालियत की गैर कानूनी अंग्रेजी शराब के 70 कार्टून को जब्त कर लिया है। पुलिस जराये ने बताया कि यहां स्टेशन रोड पुलिस को मब्बर से इत्तला मिली है कि शराब स्मगलर फूलपुर राजस्थान से एक गाड़ी में बड़ी तादाद में गैर कानूनी अंग्रेजी शराब लेकर जिले मोरिना के अम्बा कब्जे में ले जा रहे थे। तालिबान ने कहा है कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगानिस्तान में मुस्तकबिल की हुकूमत की तश्कील के बारे में बातचीत जारी है जिसमें इसका ढांचा और नाम भी शामिल है और वो जल्द ही इसकी तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाएंगे। हैती में आए जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1419 तक पहुंच गई है। हैती के साहिल पर 7.2 शिद्दत का यह जलजला हफ्ते के रोज आया था। इस जलजले में 6,900 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल वाक़ हवाई अड्डे को तैयारों की आमद और रफ्त के लिए पीर के रोज मुकामी वक्त के मुताबिक 3:35 पर दोबारा से खोल दिया गया। लीबिया के साहिल से गुज़िश्ता एक हफ्ते में 1700 से ज्यादा गैर कानूनी तारीख ने वतन को बचा लिया गया है। बैनुल अक़वामी तंजीम बराए हिजरत IOM ने यह इत्तला दी। तेलंगाना के कई मुकामात पर कल शब बारिश हुई। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के पेश नजर रियासत के मुख्तलिफ अजला के कई मुकामात पर वक्ती से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल में इस्मत दरी के वाकये के सिलसिले में पुलिस ने 4 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। लैब टेक्नीशियन उमा महेश्वर राव समेत मजीद 3 सिक्योरिटी एहलकारों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है।
उलमा निजामिया ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद के जरिए तमाम इज्मत अहले बैत अत्तहार वफ़ज़ार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस का सवेरा फंक्शन और चंदूलाल बारादरी हैदराबाद में इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला महबूब नगर नागर कन्नौर के अलावा शहर हैदराबाद के उलमा मसाजिद के आइमा अवाम उन्नास ने कसीर तदाद में शिरकत। अफगानिस्तान में बहरान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए तेलंगाना के वजीर तारक रामा राव ने अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से मुदाखलत न करने पर सवाल उठाया। वजीर मौसूफ ने अफगान क्रिकेट खिलाड़ी राशिद खान की जानिब से किए गए ट्वीट को टैग किया। शहर हैदराबाद की अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के कैंपस में वाकई बड़े पत्थरों पर रोशनी की गई है। शहर के दुर्गम चिरू केबल ब्रिज से इन पत्थरों पर रोशनी का नजारा काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने रियासती पीजीपी की अर्जियों की तहरीक पर गैर रिवायती रद्द अमल जाहिर किया। तारक रामा राव जो अपना जमात टीआरएस के कारगुजार सदर भी है ने इस खसूस में तंजिया ट्वीट किया है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत तेलंगाना के साथ के रेशनलाइजेशन का फैसला किया है। चुनाचे इस सिलसिले में महकमे तालीमात की जानब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। दलितों को बाइख्तियार बनाने के लिए हर दलित के बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा करवाने की दलित बंधु स्कीम के आगाज के मौके पर सरकारी दलित मुलाजिम को भी इस स्कीम के लिए अहल करार दिए जाने गुज़िश्ता रोज तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ऐलान के बाद तेलंगाना नॉन गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन के अरकान ने जिला करीम नगर में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पोर्ट्रेट को फूल से नहलाया। इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 यहीं पर खत्म होती है। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।